इंद्रे तो तुम्हारा काम तमाम कर देगा, समझे? छोड़ दो इसे। तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है का? हमें ये प्यारी है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? प्रेम की परीक्षा देना। आपके प्रयास से हमने घर बनाया और बाबूजी की प्रताड़ना से वही घर छोड़ना पड़ा। तो अब रहोगे कहाँ? चाहे किस्मत ले जाएगी वहीं रह लेंगे। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी, फिर तुम्हारी मदद भी कर देंगे। पर हम तो मां संतोषी के भक्त हैं, हमें पाप तो होने ही नहीं दे सकते, है ना? पर काम पूरा होने के बाद खाना मिलेगा ना? जी। आप पर भरपेट मिलेगा ना? जी बिल्कुल मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। तो हम काम शुरू कर देते हैं। हाँ जी जी। आप किस उधेड़ बुन रहे हैं? क्या आपका विश्वास नहीं कि हम काम कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, आइए हम आपको काम समझाते हैं। और देवर्षि नारद देवी संतोषी के भक्त के घर का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, अब ये सब सुनने के बाद भला कौन देवी पौलोमी का भक्त बनना चाहेगा? अब तो सब देवी संतोषी का व्रत करेंगे। बंद करो ये रोना और निकल जाओ हमारे प्रसाद कक्ष से, और पुनः यहाँ कभी प्रवेश मत करना। भोजन और ले आओ। महाराज क्षमा करें, अभी हमारे पास आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं बचे। अब भूखे ही सही, लेकिन उठ जाइए। देखिए, आपने भरपेट भोजन कराने का वादा किया था हमसे। तो बेच के हम आपको भोजन करवा पाए, और ये तो गलत है, पाप है। एक भूखे को घर से लौटाना नहीं चाहिए। मैं कब से आपकी सेवा कर रहे हैं, इतना खाना खा लेना पाप नहीं है का? कमाल कर रहे हैं। अरे ऐसी बात है तो चलते हैं हम, लेकिन एक भूखे को भोजन नहीं कराने का पाप लगेगा तुम दोनों। नहीं रुकिए, हम आपको भोजन करवाएंगे। स्वाति तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? मेरे पास पैसे कहाँ हैं, कहाँ से कराएंगे भोजन? इसे उतारने की जरूरत नहीं है, एक सुहागन के सामने दूसरी सुहागन अपना मंगलसूत्र उतारे, ये सही बात नहीं है। आप इसे पहने रखो,
उठिए। किंतु हमारा भोजन अभी हुआ नहीं है। हमने कहा उठिए। लेकिन भोजन, उठिए चलिए। भोजन, भोजन इतना स्वादिष्ट है, देखिए ऐसा भोजन कहाँ मिलेगा हमें। बाकी का भोजन हम आपको घर चल के करवा देंगे। किंतु उन्होंने वादा किया था हमसे कि भोजन अच्छे से कराएं। पर उनके पास पैसे नहीं थे। नारायण नारायण। माते, महादेव के कथन में तो हमें अपनी घटना का दृश्य दिखाई दे रहा है। देवर्षि, भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो हम देवता भी नहीं जानते। भविष्य के लिए तो केवल हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। किंतु देवी पौलमी वो इस समय कहाँ, क्या कर रहे, ये तो हमें ज्ञात करना ही होगा। हमें जाना होगा, किंतु हम आपकी दुविधा पर विचार करेंगे। आज आप कहीं नहीं जाएंगे देवेंद्र। यदि आप यहां से गए तो आपको हमारा त्याग करके जाना होगा। आप भली भांति जाते हैं हमें देवेंद्र, यदि आज आप हमें छोड़कर चले गए तो आपके लौटने पर हम आपको यहां नहीं मिलेंगे। अच्छी तरह विचार कर लीजिए देवेंद्र। देवी, आपकी इस हटने हमें विवश कर दिया। चलिए चलते हैं गुरुदेव के पास। आसान नहीं होता है दो परिवारों को निभा करके चलना। और अर्चना, हम क्या कह रहे थे कि तुम अभी ये खाना ना भिजवाओ। काहे? क्योंकि यही उनके रिश्ते के लिए सही है। और तुम्हें क्या लगता है, हमें उन दोनों की चिंता ना है, परवाह ना है का हमें? लेकिन हम ही जानबूझ करके कदम आगे ना बढ़ा रहे। काहे कि संकट की घड़ी में जब दोनों साथ रहेंगे ना तो ही मजबूत हो पावेंगे, और जब मजबूत होंगे ना तब ही सिंहासन सिंह जैसी चट्टान से टकरा पाएंगे। इसलिए वो जैसे रह रहे हैं उन्हें रहने दीजिए। हाँ तो बेशर्मी ही रचाएंगे, प्यार करेंगे तो महल जैसा घर छोड़ के झोपड़ी में रहना पड़ेगा ना। अरे बाबूजी, पता तो यहू चला है कि काम के लिए मजदूर बुलाए थे। हमारी बला से मजदूर बुलाए या मरने जाए, पर हमरे बिटवा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो लड़की के चक्कर में हमारा बिटवा अभी तक भूखा होगा। फेंक दिया, एयरिंग किया, जा और गाजर और टमाटर लेकर आ, हम काटते हैं। जी दादी, अभी लाते हैं। क्या भाई? जी बाबूजी। अरे आगे आओ, देवता की तरह पीछे खड़े होके जी बाबूजी, गिद्ध की तरह नजर रखो इंद्र सुबह झोपड़ी पर। बहुत ज्यादा हीरो बने ना अपनी बीवी को बचाने के लिए, तो उसी का हाथ पांव तोड़ के घर लाओ। ठीक है भाऊजी, जिंदगी भर पड़े रहेंगे बिस्तर पे तब अपनी बेवकूफी का एहसास होगा। जी, हमको याद आ रहा है कि हमारे बैग में ना एक चादर है, रुको हम अभी निकाल के लाते। चलो अब सो जाओ इंद्रेश, कल सुबह जल्दी भी उठना है। तुम सो जाओ, हम थोड़ी देर में सोएंगे। का है? तुमको पहरेदारी करनी है का? तुमको देखना है कि कैसे हम कहीं सायर वायर मत बन जाना। सायर बन भी गए तो का गम है, दुनिया वाले यही कहेंगे कि वजह बिल्कुल ठीक थी। पगला गए हो सच्ची। अब आओ, चलो सो। बोला ना तुम सो जाओ। अरे हमको अपना तकिया चाहिए, जल्दी आओ। ठीक है।
बात बताओ, ये जो तू देवी बनती है तो नहा धो के आती है कि ऐसे ही पाउडर पिसान लिपस्टिक पोते खड़ी हो जाती है? कसम आपका 104 डिग्री बुखार में भी नहा कर आते हैं, वो भी ठंडा पानी से। तूने इतना साफ सफाई और ईमानदारी बरती है तो फिर तेरे कोख से जने इंद्रेश को प्यार का बुखार कहां से चढ़ गया? थोड़ा इंतजाम करके आते। अच्छा सुनो इंद्रेश, कोई भी अगर तुमको बाबूजी के नाम से पैसे दे ना तो मत लेना। कहा है कि हम अपने नए घर की शुरुआत ना ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहते हैं। जी गृहलक्ष्मी जी, अब जाएं। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चलो जल्दी आ जाएंगे। बाय। बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम और इंद्रेश आपसे आग्रह करते हैं कि आप आए और हमारे घर में वास करें। स्वाति की कसम खाकर कह रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे किया है, और चाहे तो आजमा कर देख सकते हैं, पर जी के साथ सात जन्म साथ रहने की कसम खाई है वो अकेले नहीं ना छोड़ सकते। प्यार तो हम तुमका बहुत करे थे इंद्रेश बेटा, लेकिन नल को विभाग की बिटिया के चक्कर में आके तुमने हमें छोड़कर हमारा दिल बहुत दुखाया है। बाबूजी, आज जल चढ़ाने नहीं जाइएगा? काहे नहीं जाएंगे? अरे बाबूजी कलन तो बोले थे कि अपने लड़कों की नौटंकी के चक्कर में अपना धर्म कर्म थोड़ी ना छोड़ेंगे। काहे छोड़ेंगे? देखिए जी, भगवान की पूजा करने से शक्ति बढ़ती है। शक्ति बढ़ाओ, अपने सुपुत्र को वापस बुलाओ। अगर नहीं बुला पाई तो समझ लो लड़की के चक्कर में जिस तरह हमको नालायक बाप का ताज पहना के गया है, उसी तरह तुम भी नालायक अम्मा। ऐसी औलाद जब कोख में आ जाए तो खुद को आग लगा के मर जाना चाहिए। अरे बहू, एक लोटा जल और ले आओ। रिंकिया जी, बाबूजी लाठी लेके आ। जब घर के बेटे नामर्द हो जाएं, तो बेटियों को ही बेटे का फर्ज निभाना पड़ता है। चल रिंकिया। औलाद ना हो वो क्या जाने माँ बेटे के रिश्ते को। जा तू अंदर जा।
मतलब हद है दादी, हम चाहे जितना काम कर ले, चाहे अपना खोपड़ा जितना पटक ले, पर तुमको घूम फिर के वही बात घसीट के लानी है कि बच्चा नहीं हो रहा। हम बात घसीट नहीं रहे हैं, सच कह रहे हैं, जो कि तुम्हें कड़वा लग रहा है। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, पूरे दिन बच्चन की माला जपती रहे। घुमरा ना करो, तो नतिया देंगे, समझे? हम यहाँ अपनी अम्मा से मिलने आए थे, पर यहाँ तो हमारे बाबूजी की पत्नी बोल रही है। खैर, कोई बात नहीं, प्रसाद लौटा कर नहीं ले जाते, इसलिए यहां रख रहे हैं। ना खाना हो तो अपने हाथों से फेंक देना। आग वाली दुर्घटना घटी और आपका छोटा बेटा, वो तो अपनी बीवी को मारता भी है ना, उससे बहुत इज्जत बढ़ती होगी आपकी, नहीं? माफी चाहते हैं चाचा जी, लेकिन ऐसे इज्जत बढ़वाने में हमें कोई शौक नहीं है। और हाँ, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, बदनामी से नहीं डरते, समझे? चलते हैं। गजब बदतमीज है आपका लौंडा, हम तो उसी के भलाई की बात कर रहे थे और वो हमें ही हमारी इज्जत का पाठ पढ़ा के चला गया। आप दोनों ने मिलकर तप और व्रत किया है, इसलिए हम वरदान देते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप जो कुछ भी चाहेंगे वो आपको पूर्णता मिलेगा, और आपके इस प्रभाव को पुत्री संतोषी अपनी शक्तियों से काट नहीं पाएंगी। शिवो की स्वामी ने बना दिया है माता देवी पौलमी ने उनसे कहा कि उन्हें इतनी अधिक शक्तियां दे दी जाए, इतनी अधिक शक्तियां दे दी जाए कि माता संतोषी भी उसका काट न कर सके। माते महादेव ने तथास्तु कह दिया। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? उन्होंने पुत्री संतोषी के बारे में तनिक भी विचार नहीं किया? हाँ माते, ये बात हमें भी विचलित कर रही है कि देवी पौलमी के विषय में ज्ञात होने के पश्चात भी महादेव ने उन्हें वरदान कैसे दे दिया? हमारा न्याय संगत रहना अति आवश्यक है। यदि कोई देव, असुर या मनुष्य हमारी आराधना करता है या हमारे लिए व्रत रखता है तो हमें उसे फल देना ही होगा, यही हमारा देव धर्म है। महादेव से प्राप्त वरदान का पौलमी अवश्य दुरुपयोग करेगी और पुत्री संतोषी के साथ उसकी परम भक्त स्वाति के साथ भी कुछ अनुचित करेगी। महादेव से हमें वर तो मिल गया, किंतु उस वर की पुष्टि करनी होगी। अपना हाथ दीजिए स्वामी। देवी, आप जो कर रही हैं वो उचित नहीं है। सब उचित है, आप व्याकुल ना। देवी पौलमी ने अपनी क्रीड़ा आरंभ कर दी है, कुछ कीजिए शीघ्र, अति शीघ्र। आपके भक्त को आपके सहायता की आवश्यकता है माते।
महादेव उत्तर दीजिए। प्रतीत होता है आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते। उचित है महादेव, हम स्वयं जाएंगे देवी पौलमी से भेंट करने और उन्हें आभास कराएंगे कि देवी संतोषी हमारी पौत्री है, साक्षात शक्ति स्वरूपा पार्वती की पौत्री, और उसे कष्ट देने वालों को हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हमारे मार्ग से हट जाइए देवर्षि नारद, अन्यथा उचित नहीं होगा। क्षमा कीजिए माते, किंतु हम आपके मार्ग से नहीं हटेंगे और आपको आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। माते, हमें पूर्ण विश्वास है माते, यदि आप शांत हृदय से इस विषय पर विचार करेंगी तो हमारी इस दुष्टता को क्षमा कर देंगी। माते, क्रोध से लिया हुआ हर निर्णय सदैव भी अनुचित होता है। तनिक विचार कीजिए माते, कृपा करके कैलाश लौट चलिए माते, अपने क्रोध को शांत कीजिए। हमारे मार्ग से हट जाइए देवऋषि नारद, अन्यथा युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए। माते, ये क्या कह रही हैं आप? माते, आपने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया? युद्ध, वो भी आपसे? माते, कदापि नहीं। माते, ये विचार तो हमारे स्वप्न में भी नहीं आ सकता। माते, हमें आज्ञा दे। माते, नारायण नारायण। देवी पौलमी। पार्वती की स्थान और पद की बड़ी प्रतिष्ठा है आपके मन में, किंतु अपनी पत्नी के विषय में तनिक भी विचार नहीं करते। अब शीघ्र बताएं हम क्या करें। आप शीघ्र ही किसी गुप्त स्थान पर चली जाएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। हमने तो केवल महादेव के दिए गए वर का प्रयोग किया है। हम अदृश्य नहीं होंगे। ये वाद विवाद का क्षण नहीं है देवी, हमारा परामर्श माने और शीघ्र किसी गुप्त स्थान पर चली जाए, ये आग्रह हमारा। पता नहीं उनका ये कर्ज कैसे चुका पाएंगे हम। फिलहाल हमरी तो कोई हैसियत नहीं है अभी, पर हम दुआ तो कर ही सकते हैं ना इंद्रेश। हे माँ संतोषी, हमरी दीदी की हमेशा मदद करना। जो भी कष्ट उन्होंने हमरे लिए उठाए हैं उको उनसे हमेशा दूर रखना। आपका वध ना कर सके, परंतु जब तक पुत्री संतोषी की भक्त जीवित है तब तक के लिए हम आपको मूर्छित अवश्य कर सकते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। दादी से हमें बहुत निद्रा आ रही है। माता संतोषी की लीला भी अपरंपार है। धन्य है आप माते और धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण।
इतना गुस्सा हुए बैठे हैं आप? अपने प्यार से ही तो शादी की है, तो बाप बेटे के रिश्ते के लिए ही स्वीकार कर लिए होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि ठंड में नहीं रह पाते हैं, तो एक बार बुला लिया होते और कह दिया होते कि जाए इंद्रेश, माफ किया तुमने, आखिर है तो आपकी बेटी, तो हमारे अंदर भी आप ही का खून है बाबूजी। लेकिन जब तक बुलाएंगे नहीं, हम वापस नहीं आएंगे। देखिए जी, सच कहे तो हमें इंद्रेश्वर की गलती ना ही लगती, सारी गलती आपके दोस्त की लड़की का लगता है। वो शादी कर लेती तो सब कुछ अच्छा हो जाता। हाँ, दोस्त तो हमारा निकम्मा ही निकला, ना उसकी बेटी उसके हाथ से निकलती, हमारा बेटा हमारे घर से। अकेले नहीं जा रहे हैं, हम भी इनके साथ जाएंगे। अरे लेकिन तुम काम काहे करोगी? काहे नहीं कर सकते? हमरे काम करने से तुम्हारी ई नाक नीची हो जाएगी का? ऐसा नहीं है, हमारा मतलब कि तुम पहले इतना काम करती हो और फिर घर भी तो संभालना है। घर संभालने के लिए हमारी संतोषी माँ है ना। चलो फिर। चल जाके लाठी ले जाना, कहाँ लाई आए? फालतू काम, अगली बार भैया ले जाना साथ में। ले करो। एक बात कान खोल के सुन लियो सब लोग, गाड़ी में बैठा के लाए हैं तो बराती समझ के दूल्हे के बड़ा भाई मत बनने लगना। घर के पिछले हिस्से की बड़ी दीवार बनवानी, इसलिए बुलवाए। छिपाएंगे, एक ना एक दिन तो उसे सच पता चलेगा ही ना। कैसे सच्चाई? बात का है माँ? बात यह है बिटिया कि हम यहाँ हुआ ऐसे ही नहीं भटक रहे हैं, इस सबके पीछे तुम्हारे ससुर हैं। तो वैसे भी काम और पैसे से हिसाब करने वालों में से है ना। hey, जी हमको नहीं चाहिए जी। पर काहे माले, अभी तो मौका मिला है आपको हमारी औकात दिखाने का। काहे कि हम काम करेंगे, आप पैसा देंगे, तभी तो मालिक वाला रुबाब दिखेगा। अम्मा देख रही हो पेपर जी को, कैसे सबके सामने बाबूजी से जवान लड़ा रहे हैं। शर्म लिहो तब तो कितनी। रेंद्रेश,
इधर आओ तो। बात तुमने सही कही बेटुआ, मौका अच्छा है, चलो काम पे लग जाओ। लेकिन बाकी 100 रुपया कम देंगे तुमको। राम भैया, बाबूजी को आराम से बताइएगा कि अब उनका एक ही बेटा है। बचपन से ही लगाम कसीर होती तो औकात में रहते और ये दिन ना देखना पड़ता। अरे सिंहासन, कुछ नहीं हुआ है, उसके ऊपर प्यार का भूत सवार है, भूत उतरेगा तो सब ठीक हो जाएगा। तू काहे इतनी फिक्र कर रहा है बेटा? फिक्र नहीं कर रहे अम्मा, फिकर तो अब उसको होगी जब उसको जायदाद से बेदखल करेंगे। एक झटका में होश ठिकाने आ जाएंगे ससुर के।